दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें 16 साल की लौंडिया को देखते हैं जिसका नाम लीजा है और ये अपने मॉम के साथ रसिया में रहती है। लीजा की फ्रेंड आती है और वो उसे बताती है मैं यूएसए जा रही हूँ क्योंकि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड यूएसए में रहता है और वो भी यूएसए में शिफ्ट होने वाली है। स्टोरी में मजा जब आता है जब लीजा की माँ कहती है पहले मैं जाकर वहाँ 4 दिन की चांदनी रात में अपनी तितली का चमगादड़ बनवाऊंगी और वहीं पर तुम्हें बुलाऊंगी। इतना कहने के बाद उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। उसकी बेटी यहाँ अकेली रह जाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके बाद लीजा अपने घर में अकेली होती है, तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और वो उसे उसका सामान देखकर सामान पैक करने को कहती है और उसे एक छोटे से रूम में ले जाती है। ये रूम पहले किसी आदमी का हुआ करता था जिसकी अब डेथ हो चुकी है। लीजा कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती और उसकी आंटी कहती है उस रूम का रेंट काफी ज्यादा है, तुम उतना रेंट नहीं दे पाओगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। लीजा अपनी मजबूरियों को देखते हुए बाहर रहने लगती है। वहीं लीजा के घर के बाहर हम छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोलोदिया होता है। वो देर रात तक घर के बाहर खेल रहा होता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन लीजा स्कूल जाती है और उसका हर कोई मजाक बनाने लगता है क्योंकि उसने अपने सभी फ्रेंड से कहा था वो यूएसए जा रही है और लीजा गुस्से में अपने एग्जाम छोड़कर वहां से चली जाती है। जब रात में लीजा के दोस्त उससे मिलने जा रहे होते हैं तो कोलोदिया उन्हें साथ ले आने के लिए कहता है पर वो उसे मना कर देते हैं। फिर कोलोदिया उन्हें एक टिप देता है और वो मान जाते हैं। हम लीजा के दोस्त को उसके घर पर देखते हैं, वो लोग नशे जैसे कई चीज कर रहे होते हैं और लाउड म्यूजिक में स्पीकर बजा रहे होते हैं। फिर एक आंटी ये सब देखकर पगला जाती है और उन्हें म्यूजिक का वॉल्यूम कम करने को बोलती है पर वो नहीं मानते। फिर लीजा की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर खेलते हैं। गेम खेलते वक्त उसका बॉयफ्रेंड उसके फोन में इंजेक्शन लगाकर उसे सेट कर देता है। कोलोदिया भी लीजा के करीब आकर मस्ती करने लगता है पर लीजा उसे खुद से दूर कर देती है। लेकिन अब लीजा के पास पैसों की प्रॉब्लम होने लगती है और वहीं लीजा की फ्रेंड मिलती है। लीजा उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, मैं क्लब में जाकर अमीर लड़कों को फंसा कर उनके साथ रात रंगीन करती हूँ और वो ऐसा लीजा को भी करने को कहती है पर वो उसे मना कर देती है। फिर वो एक पार्टी में जाते हैं, उसकी फ्रेंड एक लौंडे को पटा कर वहां से चली जाती है। रात में जब लीजा सो रही होती है उसकी एक फ्रेंड अपने बाप के साथ आती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती ये लो अपने पैसे। लीजा सोच में पड़ जाती है और अगले दिन अपने फ्रेंड से पूछती है। उसकी फ्रेंड बताती है कल सारे पैसे मेरे पापा ने देख लिए और मेरे से पूछ रहे थे सारे पैसे तू कहां से लाई। ये सारे पैसे लीजा के हैं क्योंकि लीजा पार्टी में जाकर अपनी रातें रंगीने करती है। ये सुनकर लीजा काफी गुस्सा हो जाती है और उन पैसों को डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। फिर लीजा कोलोडियो के साथ बैठी हुई होती है और कुछ लड़के लीजा से मजे ले रहे होते हैं। लीजा जब घर जाती है तो उसे पता चलता है बिजली का बिल ना भरने के कारण उसके घर की लाइट काट दी गई है। अब लीजा उसे डस्टबिन में जाकर पैसे ढूंढने लगती है पर उसे पैसे नहीं मिलते। फिर वो अपनी आंटी ऐना के पास जाती है, घर पर ताला लगा होता है। वहीं खड़ा बुढ़ा आदमी लीजा को ऐना का एड्रेस बता देता है। फिर लीजा को पता चलता है कि उसकी आंटी ने उसे झूठ बोल के उसे फ्लैट ले लिया और अब वो उसी के घर में रह रही है। लीजा ऐना से कुछ पैसे मांगती है, उसकी आंटी मना कर देती है और कहती है बाहर जाकर भीख मांगो पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद लीजा अपने घर का सामान बेचने लग जाती है पर वहां कुछ नहीं बिकता और वहां कोलोदिया लीजा को जबरदस्ती ले जाता है और वो बहुत मजे करते हैं। फिर लीजा को पता चलता है उसकी मां ने उसे पालने से मना कर दिया था और उसे धोखा दिया है। वो अपनी मां का फोटो चलाने लग जाती है। फिर लीजा एक पार्टी में जाती है, वहां उसे एक लड़का मिलता है और वो उसके साथ अलग अलग पोजीशन में सेक्स करने लगती है और अब उसके पास पैसे आ गए थे और वो ढेर सारे खाने का सामान खरीदती है और फिर वो कोलोडियो के लिए एक बॉल लाती है। कोलोडियो पूछता है तुम्हें ये पैसे कहां से मिले। लीजा कहती है मेरी मॉम ने भेजे हैं। कुछ दिनों बाद जब उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं तो वो उसी बार में जाकर एक लड़के के साथ 69 वाली पोजीशन में करवाने लगती है। फिर जब लीजा घर जा रही होती है उसकी नाक में से खून निकल रहा होता है, पीछे से एक रेड कार आ रही होती है, उसमें एक लड़का होता है। लीजा से पूछता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए पर लीजा मना कर देती है और कहती है मुझे लिफ्ट देने के बहाने उछालना चाहते हो। वो लड़का कहता है मैं दस्तक नहीं करूंगा पर ये रास्ता लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लीजा उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है, दोनों आपस में बातें करते हैं। लीजा को उस पर भरोसा हो जाता है। जब लीजा घर में घुस रही होती है वो लड़का उसे कॉफी और मूवी की पूछता है और वो उसे हाँ कर देती है। फिर लीजा जब ये बात कोलोदिया को बताती है वो कहता है वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है और वो उसे जाने से मना कर देता है। पर लीजा वहाँ से चली जाती है, वहाँ पे बहुत मस्ती करती है। फिर वो घर आकर कोलोदिया को ये बात बताती है वो बस तुम्हें धोखा दे रहा है। एक बार एंडी और लीजा बात कर रहे होते हैं। एंडी कहता है तुम्हें काफी अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो और मेरे साथ स्वीडन चलो। जब लीजा घर पर होती है तो कुछ लड़के उसके घर में घुस जाते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। कोलोदिया उन्हें रोकता है पर वो उन्हें नहीं रोक पाता और लीजा का रेप हो जाता है। लीजा अपनी इस लाइफ से काफी पक गई थी और स्वीडन जाने का फैसला करती है और कोलोडियो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लीजा मान जाती है और कहती है मैं एंडी से बात करूंगी। अगले दिन एंडी लीजा से मिलता है और कहता है चले स्वीडन। लीजा एंडी को किस करने लग जाती है जिसका मतलब हाँ होता है। लीजा एंडी से बोलती है हमारे साथ कोलोडियो भी चलेगा। वो कहता है हम उसे आकर ले जाएंगे। बाद में कोलोडियो लीजा से पूछता है तुमने मेरे बारे में पूछा। लीजा झूठ बोलती है मैं उसे पूछना भूल गई। अगले दिन लीजा एंडी से मिलती है और वो उसे नकली पासपोर्ट दे देता है। लीजा उसे पूछती है ये नकली पासपोर्ट क्यों। एंडी कहता है तुम 16 ईयर ओल्ड की हो इसकी वजह से
से मेरा बॉस तुम्हें जॉब पर नहीं रखेगा। जब लीजा कॉल ऑडियो को यह बात बताती है, वो कहता है वो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। लीजा को लगता है कि वो एंडी से जलता है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। और लीजा फिर अपना सामान पैक करने लग जाती है। और अगले दिन जब एंडी उसे लेने आता है, वहीं पर कॉल ऑडियो होता है। जब लीजा उसके पास जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। फिर एंडी और लीजा जब जा रहे होते हैं तो एंडी कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरी दादी की तबीयत काफी खराब है और वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती है, और वहां तुम्हें मेरा बॉस मिलेगा, मैं वहां पे 2 दिन बाद आ जाऊंगा। लीजा अकेले स्वीडन चली जाती है और एयरपोर्ट पर एंडी का बॉस उसे पिक करके उसे फ्लैट छोड़ देता है। और लीजा रूम देखकर काफी खुश होती है और अपना सामान सेट करती है। अगले दिन लीजा नहा रही होती है, तभी उसका बॉस आके उसका रेप करने लगता है और उसे पता चल जाता है उसे धोखा मिला है। लीजा को रोज रोज अलग अलग कस्टमरों के साथ रातें रंगीन करनी पड़ती है। लीजा ने बाल काट और अपना मेकअप बेकार कर लेती है, तब भी सब उसका गेम बजाते हैं। एक दिन वो जैसे तैसे भाग से भाग जाती है और ब्रिज से कूद जाती है। हॉस्पिटल में इलाज होता हुआ दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।